वेलकम दोस्तों, मैं हूं अली आप लोगों के साथ और फिर से अगला इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और आज का वीडियो में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं व्हाट्सएप का जो एक मस्त सिस्टम है, मतलब व्हाट्सएप में एक आपका जो होम स्क्रीन रहता है उसमें एक कोई भी जैसे कि आप अपना वॉलपेपर जैसे सेट करते हैं व्हाट्सएप का चैट का अंदर, जैसे कि चैटिंग में जब बात करते हैं तो वहां पर एक वॉलपेपर सेट किया जाता है व्हाट्सएप में मैनुअली, नॉर्मली रहता है एक, और आप चेंज भी कर सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं या भी कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पुराना सिस्टम है, और नया सिस्टम में जो हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, आपका जो व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जो होम स्क्रीन आता है चैटिंग में जो लिस्ट रहता है चैटिंग का, तो वहां पर भी आप एक फोटो लगा सकते हैं, कोई भी अपना फोटो हो या फिर कोई हीरो हीरोइन का या फिर आपका कोई सिलेक्टिव फोटो जैसे कि आपको पसंद है। तो दोस्तों ये फोटो कैसे लगाते हैं व्हाट्सएप में और कौन सा सेटिंग से कहाँ से लगाते हैं, फर्स्ट हम आपको दिखा देते हैं कि ये फोटो हम लगा है अपना व्हाट्सएप में। और देखिए मेरा और अपना दोस्त का एक साथ फोटो उठाया हुआ, वो फोटो हम अपना लगा के रखे, तो ये देखिए मेरा सेट में हम आपको दिखाते हैं। ये जो व्हाट्सएप ओपन करते हैं ये देखिए फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन में यहाँ पर चार्ट है, यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर कॉल्स, तो ये देखिए चार्ट पे ये मेरा सब चार्ट है, मतलब मेरा जो चैटिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर ही। और होम स्क्रीन पे देखिए मेरा बैकग्राउंड में फोटो है, ठीक से देखिए ये सब मेरा चैटिंग है और यहाँ पर फोटो है। तो इसके बाद ये आपका स्टेटस रहा, यहाँ कॉलिंग, यहाँ पर पूरा मैं आपको मेरा फोटो दिखाएगा। तो यहाँ पर इस इंटर किए चार्ट के अंदर, तो देखिए ये रहा, तो इसमें हम कोई भी अभी तक जो चार्ट के अंदर जो वॉलपेपर होता है अभी तक नहीं लगाए, तो यहाँ पर ही आप ऐसे करके लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये कैसे लगाना है हम आपको ये तरीका दिखा देंगे और व्हाट्सएप में, तो बने रहे वीडियो के साथ। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, और भी अच्छा से ऐसे टेक्निकल वीडियो लाएंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। और दोस्तों जरूर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे तक बने रहिए आखिर तक, वो कैसे करके आपको कौन सा सेटिंग में जाना है कैसे प्रोसेस है दिखा देंगे। आपको व्हाट्सएप जो डाउनलोड करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक पे प्रेस कीजिए, सॉरी क्लिक कीजिए, और वहां से आपको एक पेज खुल जाएगा, वहां से आपको व्हाट्सएप एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल कर लीजिए अपना फोन में और उसे चालू कीजिए अपना नंबर देके। उसके बाद वहां पर ही सेटिंग हम आपको दिखा दे रहे हैं कहां से कैसे करके आपको सेटिंग सेट करना है। तो दोस्तों जरूर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि हम और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा अच्छा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाए। तो दोस्तों थैंक यू, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आपका फोन में जो व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हैं आप उसे ओपन करना है, और कहाँ से डाउनलोड करना है कैसे इंस्टॉल करना है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए चार्ट में जो नॉर्मल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी बैकग्राउंड में जो फोटो रहता है इसके चार्ट का होम व्हाट्सएप का होम पेज में जो चार्ट का, मतलब जो बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज का या फिर कलर चेंज है यहाँ पर कोई नहीं, नॉर्मल है। तो यहाँ आपको कैसे करना है, ऊपर जो थ्री डॉट है यहाँ पर जाइए, इसके बाद थॉट्स मोड में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सल में जाइए, इसके बाद कलर्स में जाने के बाद बैकग्राउंड जो ऑप्शन है यहाँ पर जाने पड़ेगा और फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि फोटो चेंज करना है। यहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी अगर फोटो चेंज करना चाहते हो उस फोटो को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज ये फोटो मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना, और इस फोटो को थोड़ा फोटो की क्वालिटी खराब है, बस इसके सेट कर देता हूँ, देखिए वॉलपेपर सेट हो गया। अब इसे बैक में जाता हूँ, देखिए यहाँ पर बैक में सेट हो गया मेरा ये फोटो। तो आप अपना कोई भी फोटो ऐसे करके सेट कर सकते हैं दोस्तों, और देखिए मेरा हर एक चीज़ में यहाँ पर ये फोटो दिखाएगा होम में, मतलब बैकग्राउंड में दिखाएगा, देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी यहाँ पर ये फोटो दिखाएगा। तो दोस्तों ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और ये व्हाट्सएप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहे हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल में आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल में सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको कोई भी ब्राउज़र यूसी या क्रोम कोई भी ब्राउज़र खोलना, वहाँ पर ही सर्च बार में जाके टाइप करना है FM व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्सन, ये लिख के आपको सर्च करना है। उसके बाद देखिए फर्स्ट में ही आता है एक apkfox.com का एक साइट है, यहाँ पर ही इसमें क्लिक करना है आपको। उसके बाद नीचे जाना है, एकदम नीचे जाना है, ये देखिए
ये जो मैरून कलर का जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ही देखिए व्हाट्सएप का ये डाउनलोड डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है, नीचे 52 MB का साइज है। डाउनलोड कंप्लीट हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है और ओपन करके जैसे मैंने दिखाया आपको फोर्स मोड में जाके वहाँ पर ही यूनिवर्सल में जाके बैकग्राउंड कलर्स बैकग्राउंड में जाके आपको चेंज करना है। दोस्तों मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए ताकि और भी अच्छे से वीडियो हम आप लोगों के लिए ला सके ऐसे। तो थैंक यू, जय हिंद। अगला वीडियो में जरूर मिलेंगे आपसे।